गुड मॉर्निंग आप सभी को, मैं उमेश पटेल और आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमेश सितम ब्लॉग में। दोस्तों आज है भोरवारक और हम लोग चलते हैं घाट पर और दिखाते हैं, थोड़े देर में सूर्यास्त होने वाला है और हमारे बिहार में सूर्यास्त होते हैं और उसके बाद पूजा स्टार्ट किया जाता है। तो चलो दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं और पूजा भी होने वाला है मॉर्निंग में, तो चलिए दोस्तों चलते हैं और वहाँ का आप लोगों को नज़ारा देखते हैं। और ये कुछ फ्रेंड व्रेंड है, इस सबके साथ चलेंगे, चलो ना। पहले यहाँ पे पूजा होगा, देख सकते हो इसमें मंदिर है यानी मूर्ति रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखलाते हैं जो कि कुछ इस तरह से पूजा होने वाले है, स्टार्ट होने वाले है, देख सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को हम अपने पूरा घाट का नज़ारा मॉर्निंग का दिखाते हैं, देख सकते हो कितने ही भीड़ है। और ये देखो इतना पवन में ये इतना केस बारा बारा रखा है, गुंडा लग रहा है। और ये सब देखो हमारे गांव के कुछ नवयुवक यंग है, भविष्य के आगे तक ले जाएगा दुनिया को, देश में अपना देश को दुनिया करेगा। और ये क्या ले जाए, लौंडिया के ले जाएगा रे, छठ पवनी में क्या मंगा है भगवान से। ये है हमारे भक्तजन जो कि पूजा में खड़ा हुआ है, देख सकते हो अभी पूजा थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और चलिए दोस्तों और अभी आप लोग बन रहे तो चलिए इसका पोज देखो कितना ही मस्त है। और चलिए इधर घूमते हैं, कितना ही मस्त मस्त वाले व्यू है हमारे इधर। और इसी में रात में रहने का व्यवस्था था, नीचे सब बिछाया था दाढ़ी बाड़ी। और दोस्तों देखाते हैं और टूर हमारे और ये रहे हमारे हजाम जी हमारे गांव के, देख सकते हो एकदम मस्त मस्त। और देखो दोस्तों कुछ इस तरह से घाट है और दोस्तों फाइनली सूर्योदय हो ही भी गया, देख सकते हो। और थोड़ा देर में सब उठ जाएगा, जितना भी आप लोगों को दिख रहा है सब उठ जाएगा। और दोस्तों क्या बताए, और हमारे सरजी साहब है जो कि बैठे हुए हैं। और दोस्तों आप लोगों को दिखलाएंगे थोड़ा देर के बाद पूजा सब उठ जाएगा तो कैसे हमारे गांव में अर्घ दिखाया जाता है, आप लोगों को दिखलाएंगे, आप लोग बने रहे। हो गए पूजा एंड दोस्तों हम चलेंगे अब अपना डाला लेकर जो कि सेंत रहा है। दोस्तों हम दिखलाएंगे अपने गांव में डाला कैसे ले जाते हैं, तो चलो दोस्तों ले चलते हैं। फाइनली पूजा उजा हो गए और दोस्तों ले चलते हैं हम अपने घर डाला। चलिए दोस्तों चलते हैं घर। फिलहाल मेरा मॉर्निंग का डिनर हो गया एंड दोस्तों मैं पूरा रात उतना अच्छा से सोए नहीं थे, तो दोस्तों अभी सोते हैं एंड दोस्तों आज भसान भी है, मूर्ति भी भसाना है। तो चलिए दोस्तों पहले रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे शाम को मूर्ति भसाने। तो दोस्तों आप लोगों को बीच मिलेगा वहाँ, तब तक सोते हैं। फ्रेश व्रेश होकर अपने खेत में आए हुए हैं जो कि देख सकते हो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखलाए थे जो कि इतना सारा धान कटा गया है। और दोस्तों इतना बाकी है जो कि आज आए हैं। और दोस्तों आज एक घंटा तीन से चार काटेंगे ओनली, क्योंकि आज मूर्ति विसर्जन भी है। तो चलो दोस्तों काटते हैं एक घंटा और देखते हैं कितना कटाएगा, और विसर्जन में भी जाना है। तो चलो दोस्तों चलेंगे और एक घंटा अपना करते हैं ये वाले फिजिकल वर्क। मैंने धान काट लिया एक पाई, देख सकते हो एक घंटा लगा है, एक घंटा का मेरा चैलेंज था। एंड दोस्तों मूर्ति भसने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को दिखलाएंगे मूर्ति कैसे भसता है हमारे गांव में। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर दिखलाएंगे। फाइनली पहुँच गए और आप लोगों को दिखलाते हैं हमारे घर मूर्ति भस रहा है। तो चलिए दोस्तों देखो ये भस रहा है मूर्ति कुछ इस प्रकार से, ये बुरी जब जाएगी देखो देखो गाइस कुछ इस तरह से जा रहा है मूर्ति भस रहा है। देखो गाइस मूर्ति भस रहा है और लास्ट में ये बचा है, ये भी भस जाएगा थोड़ा देर में। अभी सभी लोग आए हुए हैं
और ये देखो हमारे मित्र लोग सब हंसा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और बूढ़ी माई जा रहा है देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ये वाला उठेगा मूर्ति और ये सब साइड वाइड हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और आज विसर्जन है और ये सब मूर्ति हंसा रहे हैं गाइस देख सकते हो। रवि उसको साथ में रख देना, ये पोस्टर वाले हो मेरे भगवान की जय, जय मैया की जय, छठी मैया की जय, जय अरे जल्दी सपोर्ट करो सपोर्ट, जय छठी मैया की जय, जय भगवान की जय, बात देख के जाना रवि, जय 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 जय। गाइस फाइनली हमारे इधर का मूर्ति भंस गया है दोस्तों, चलते अपने विलेज में, वहां का मूर्ति अभी भंसने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ के चलते, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार देखो, कल एकदम सुहाना था और आज सब सुना सुना लग रहा है देखने को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट उस वाले मूर्ति के साथ। तो गाइस खाली मूर्ति आ गई, आप लोगों को दिखाते हैं हमारे गांव का कोई एकदम काफिला वाला। यार देखो गाइस कुछ इस तरह स्वागत हुआ है आप लोगों का। सब कुछ हो गया है, अभी रुबीर से जो कि डांस वंस बहुत अच्छा चला है। एंड दोस्तों मैं अपने ब्लॉग यहीं पे इन करता हूँ, आई होप कि मेरा ब्लॉग आप लोग का अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट।